माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक जवान ने महिला की जान बचाई है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला है। आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाई जिससे एक महिला यात्री की जान बच गई। चलती गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर यह महिला गिर गई थी और आरपीएफ के जवान मुकेश कुमार ने महिला की जान बचाई है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने जमकर जवान की तारीफ की है। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आरपीएफ जवान की तत्परता से महिला यात्री की जान बची है। चलती गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला यात्री, लेकिन आरपीएफ के जवान की तत्परता से इस महिला की जान बच गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे आरपीएफ के इस जवान ने इस महिला यात्री की जान बचाई है। महिला यात्री चलती ट्रेन से अचानक प्लेटफॉर्म पर जा गिरी और तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ जवान ने इस महिला की जान बचाई। चलती गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर महिला यात्री गिर गई और आरपीएफ जवान मुकेश कुमार ने महिला की जान बचाई। कोटा मंडल के सवाई माधोपुर स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस महिला यात्री की जान आरपीएफ के एक जवान ने बचाई है तत्परता दिखाते हुए। राजेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। राजेंद्र, जरा पूरी खबर पर ताजा जानकारी क्या कुछ आपके पास और ये खबर जरा विस्तार से बताएं आप कि महिला यात्री कैसे चलती ट्रेन से गिर गई प्लेटफॉर्म पर। पूरा मामला गीतांजलि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली थी, उसी तरह से चलती हुई ट्रेन में महिला उतरने की कोशिश कर रही थी और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बैलेंस बिगड़ने के कारण वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिर गई। मगर गनीमत की बात यह रही कि वहां पर जो रेलवे पुलिस बल के जो जवान थे वो तैनात थे, उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उसको महिला को खींचा और खींचने के बाद में उसको साइड में किया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी गीतांजलि। राजेंद्र, ये आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए इस महिला की जान बचाई है। आरपीएफ के जवान कई बार इस तरह से हमने देखा है कई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जान बचाते हैं। एक और किस्सा जो है वो जुड़ गया है यहाँ। बिल्कुल, अगर गीतांजलि बात की जाए, रेलवे स्टेशन पर अमूनन असावधानी के चक्कर में इस तरह के हादसे होते रहते हैं और इस तरह के हादसों से निपटने के लिए जीआरपी पुलिस लगातार काम भी करती है, मगर कई बार इस तरह की भी घटनाएं सामने आती है कि अगर कोई हादसा हो रहा है और वहां पर जीआरपी का जवान तैनात नहीं है तो बड़ी भीषण दुर्घटना घट जाती है। इस हादसे में भी यही होता है, जिस तरह के 17 सेकंड के जो सीसीटीवी फुटेज जो रेलवे मंडल ने प्रोवाइड करवाया है, रेलवे मंडल ने जीआरपी के जवान की भी यहाँ पर जमकर तारीफ की गई है और साथ में उसको प्रशंसनीय पत्र देने की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है। तो गीतांजलि, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले में गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया और एक महिला यात्री की जान यहाँ पर जीआरपी के जवान ने बचा ली। जी, और इसके बाद महिला यात्री पूरी तरह से सेफ है राजेंद्र? जिस तरह से महिला यात्री वहां पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर गिरी, उसके बाद में उसको हल्की सी खरोच जरूर आई है, उसके अलावा और पूरी तरह से सेफ है। प्राथमिक उपचार के बाद में वो महिला यात्री अपने घर लौट गई, मगर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया और उच्च अधिकारी रेलवे मंडल के उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो कहीं ना कहीं जीआरपी के जवान की पीठ थपथपाना लाजमी था यहाँ पर। गीतांजलि, जीआरपी के जवान की एक बार फिर से आरपीएफ के जवान ने यहाँ तत्परता दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।